इसके बाद मन में सब राम नाम का जप करें। इसके बाद अगला आदेश बागेश्वर बालाजी का, फिर से अर्जी पुरुषों से ही आई है। विजय नाम का बालक एलईडी के बाद खड़ा हुआ है, और एलईडी के बाद में लाल रंग के कपड़े का नारियल लेकर के आया हुआ है, अर्जी लेकर के वो आ जाए। हाथ में लाल रंग के कपड़े में नारियल अर्जी बांध करके लाया है, नाम विजय होगा, आ जाए, है क्या? हाँ हाँ हाँ, या यू कम हियर माई डियर क्विकली, जल्दी आ जा दौड़ के, कौन बुढ़ापो है तोरो, जिसको बुलाया जाए वही आएगा। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि आप किसी भी कोने में बैठे रहना, राम नाम का जप भर करो, आपको बुला। इसके बाद अगला आदेश, जिनके पति का मर्डर हो गया हो, राज खुलवाने के लिए आई हो, लगातार परेशान हो शत्रुओं से, वो दरबार में आ जाए। पति का, पति की हत्या के बारे में राज जानने आई हो, वो आ जाए। और चित्र भी होगा पति का, आप हैं, चित्र है आप पे, तो आ जाओ, आइए नजदीक। सीताराम माइक लीजिए, नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए, बोलिए क्या बात है, कहाँ से आए हो? जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश। पहले नजदीक आओ। जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अभी फिलहाल रहते हैं। हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में कहाँ? संगम बिहार। संगम बिहार, बोलो क्या विषय है? गुरु जी, हम तीन पीढ़ी से देख रहे हैं, जब से जानकार है, हमारा घर बिगड़ता जा रहा है, हमारे औलाद, हमारा बड़ा लड़का का भी माइंड काम नहीं कर रहा, आर्मी में फार्म भरे हैं, उसकी तैयारी भी नहीं कर रहा, जो बोलते उसका उल्टा करता है। और हमारे गांव वाले मुझे बताए कि मेरी माँ देवी थी, लेकिन मुझे दिखी नहीं कभी। हमारे गांव वाले मुझे बताए मेरी मम्मी देवी थी, लेकिन मुझे कभी दिखी नहीं। मुझे इस बात, बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, यही लिखा है, माइक से बोलो। जी हाँ। लगातार उच्चाटन है, उसका दिमाग चढ़ गया है, उल्टी हरकत करता है, बात नहीं मानता है, सुधर जाएगा, आगे आर्मी में सफल होएगा। घर पर आपके पितृ दोष बना हुआ है, जिसमें मोहन नाम का पितृ परेशान कर रहा है, और पूरी पीढ़ी में, तीन पीढ़ियों में बुद्धि उच्चाटित, पागलों जैसी हरकत होना, सफलता ना मिलना, पेट की दिक्कत बनना व अकाल मृत्यु योग बनना, इन समस्याओं से आपका पूरा वंश जूझ रहा है। हाँ या ना? हाँ, कृपा माइक से बोलो। हाँ जी गुरु, इसी विषय को लेकर आए, आपके घर पर गंदी विद्या का प्रभाव है, अखंड ज्योति आप धाम पर जलावें, धाम पर जलावें, 11 दिन की पुराने वाले मकान की मिट्टी लेकर के आवें, पुराने वाले मकान की मिट्टी लेकर आए, हम उपाय करेंगे, राम नाम का जप करना, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन अगर आप पेशी करेंगे तो आपका घर संभल जाएगा, आगे अकाल मौत नहीं होगी, बालक आगे जॉब में सफल होगा, ये आशीर्वाद है। जो गुरु जी सब करेंगे। कुछ बना कर लाए हो? जी, प्रसाद लाए हैं गुरु। रख दो नीचे। गुरु जी, एक भजन मेरा बचपन का है, वो लिख के लाया हूँ। एक बात और हमने लिखी, आपका पुराना मकान डीहा बन गया है। डीहा बन गया, डीहा बन गया मतलब बिखर गया है, फूट गया है, और डीहा बन गया है, वहां पर तुम्हारी बेदी माता है, उत्तर प्रदेश के मकान, गांव के मकान में बेदी माता है, बेदी माता के लिए वहां से मिट्टी लेकर के वही पुराने मकान की हमें चाहिए, पुराना मकान के। जी ठीक है गुरु जी, मैं गाँव जाकर लेके लेकर के धाम आना है, नहीं होगी आगे, बालक पर कृपा होगी, जाओ सफल होंगे, वो बिखराव हम कम कर देंगे। उठो। अगला क्रम
अरे भैया जो टेंट वाला जो खटा खटा बोलत कहूँ फेंकना जाए मोरे मूड पे। और ये समार जो कछु ऊपर नहीं हो रो। अरे अब मोह पर आए घरे जाने अगर ऊपर हो रहो तो समारो। हाँ खुशी रहे तुम्हारा बेटा खुशी रहा। जा 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 बोलो सीताराम।